Good morning, my dear students. So, I'm back again. Yesterday, I told. In my previous lecture, I told about the man-made things and the natural things. Okay? So, man-made things, जिसको हम इंसान बनाते हैं. लाइक हम लोग लकड़ी को यूज करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, हम लोग प्लास्टिक को यूज करते हैं प्लास्टिक के बॉक्सेस, प्लास्टिक के बर्तन, हम लोग स्टील को यूज करते हैं स्टील के बर्तन बनाने के लिए. हम दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान ने बनाई है, ह्यूमन बीइंग ने बनाई है, जैसे बसेस, ये ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन, ये सब मैन मेड थिंग्स हैं. फाइन, टॉयज हैं हमारे, हमारी बुक्स हैं, है ना, हमारी स्टेशनरी की आइटम्स आएंगे, सब चीजें मैन मेड है, इंसान ने बनाई हुई है. और नेचुरल थिंग्स वो होती हैं जिनको भगवान जी ने बनाया होता है, जिनको कोई नहीं बनाता, वो खुद ब खुद भगवान जी ने हमारे लिए, हमारी फैसिलिटी के लिए अवेलेबल करी होती हैं. जैसे सन है, है ना, और मून है, स्टार्स है, रिवर है, ट्रीज है, प्लांट्स है, माउंटेन्स है, ये सब चीजें नेचुरल थिंग्स हैं. एंड टूडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग. सो लिविंग थिंग, लेट्स टॉक अबाउट द लिविंग थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द लिविंग थिंग्स. अब लिविंग थिंग्स वो होते हैं जो, यस, कैन यू गेस हु आर द लिविंग थिंग्स. अब हम है, मैम है. मैम क्या है? मैम कोई एक पिक्चर, कोई बुत थोड़ी ना जो ऐसे खड़ा है, जो हिल नहीं रहा, जो बोल नहीं रहा, जो मूव नहीं कर रहा, जो बड़ा नहीं हो रहा, है ना. तो मैम क्या है? मैम इज अ लिविंग थिंग. मैम इज अ लिविंग थिंग. अब लिविंग थिंग क्या होते हैं? जो चल सकते हैं, जो बोल सकते हैं, जो खा सकते हैं, जो देख सकते हैं, जो ग्रो करते हैं, है ना, जो सांस लेते हैं, दे आर लिविंग थिंग्स. और जो रिप्रोड्यूस करते हैं, फाइन. एंड अब जैसे हम बहुत छोटे से बेबी होते हैं, जब हमारे घर में, आपने देखा होगा किसी ने किसी घर में छोटा सा बेबी होगा, है ना, छोटा सा बेबी होता है, धीरे 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 वो बड़ा हो जाता है, फिर वो स्कूल जाने, फिर वो चलना शुरू कर देता है, फिर चलता है, फिर धीरे धीरे बोलना सीखता है, ठीक है, बोलना सीखता है, फिर धीरे धीरे उसको मम्मा पढ़ाना शुरू कर देते हैं, फिर हम उसको स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं, फिर वो नर्सरी में होता है, फिर वो LKG में होता है, फिर वो UKG में जाता है, फिर फर्स्ट में जाता है, फिर वो 10th में हो जाता है, फिर वो मैम बन जाता है, फिर वो टीचर बन जाता है, वो ऑफिस जाने लगता है पापा की तरह, है ना. तो वो होते हैं लिविंग थिंग्स, ठीक है. जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, वो बढ़ते हैं आगे, फाइन. एंड लिविंग थिंग्स में हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं. ओनली ह्यूमन बीइंग जो इंसान होते हैं वो लिविंग थिंग्स नहीं होते हैं, हमारे एनिमल्स भी, जो हमारे एनिमल्स हैं, आपने देखा एनिमल भी छोटा सा बेबी होता है, जब कैट के बेबी को देखा, किटन को, छोटे छोटे से किटन होते हैं, है ना, तो वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, चलना सीखते हैं, भागना सीखते हैं, अपने आप इधर उधर घूमना सीखते हैं, वो भी लिविंग थिंग्स हैं, फाइन. लेकिन जो इनमें फर्क क्या होता है एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में, ह्यूमन बीइंग अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो अपनी बात नहीं किसी को कह सकते, वो बोल नहीं सकते हैं, जस्ट ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, फाइन. रिप्रोड्यूस मतलब बच्चे पैदा करते हैं, आगे आगे मतलब बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं, ग्रो करते हैं, सांस लेते हैं, खाते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, भागते हैं, एवरीथिंग, फाइन. तो एक तो हमारे लिविंग थिंग में सबसे पहले आता है ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग में बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, आंटी, अंकल, चाचू, चाची सब आ जाते हैं, ओके. एंड देन उसके बाद आते हैं ह्यूमन बीइंग के अलावा हमारे लिविंग थिंग में आता है एनिमल्स. एनिमल्स है ना. एंड होते हैं बर्ड्स. बर्ड्स मूव करते हैं वन प्लेस से अनदर प्लेस, फ्लाई करते हैं, खाना खाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते, बोल सिर्फ इंसान सकता है, ओके. तो लिविंग थिंग में सबसे पहले हमने ह्यूमन बीइंग की बात करी. ह्यूमन बीइंग होते हैं इंसान. तो सबसे पहले हम लोग लिविंग थिंग में लिखेंगे ह्यूमन बीइंग, BEING, ह्यूमन बीइंग. देन एनिमल्स. एनिमल्स में बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है, तो हम एनिमल्स लिख देंगे. हम किस किस का नेम लिखेंगे? सारे एनिमल्स ही लिविंग थिंग्स हैं. फिर उसके बाद आ जाते हैं बर्ड्स.
ठीक है, देन आते हैं प्लांट्स, प्लांट्स एंड ट्रीज, ये भी क्या है, लिविंग थिंग है। अब आप बोलोगे एनिमल्स भी चल फिर सकते हैं, बर्ड्स भी चल फिर सकते हैं, ह्यूमन बींग भी चल फिर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स और ट्रीज कैसे लिविंग थिंग्स है? यस, प्लांट्स एंड ट्रीज आर ऑल्सो द लिविंग थिंग, बिकॉज आपने देखा है हम मिट्टी में एक बीज डालते हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे सी उसकी रूट्स निकलती है जमीन के अंदर, फिर उसकी स्टेम निकलती है बाहर, स्टेम के बाद उसके लीव्स आते हैं, ब्रांचेस आती हैं, वो प्लांट बन जाता है, फिर धीरे धीरे करके वो बिग ट्री बन जाता है। तो वो ग्रो करते हैं ना, एक जगह पे खड़े तो नहीं रहते हैं, ग्रो करते हैं, वो बढ़ते हैं, लेकिन वो भी सांस लेते हैं। प्लांट्स भी, अगर प्लांट्स खाना भी खाते हैं, और प्लांट्स का खाना होता है सनलाइट, एयर एंड वाटर। अगर प्लांट्स को प्रॉपर सनलाइट, वाटर, एयर नहीं मिलता तो वो मर जाते हैं, वो सूख जाते हैं, वो ग्रो नहीं करते, उनके फ्लावर्स नहीं निकलते, उनके फ्रूट्स नहीं निकलते, ठीक है। बट एक फर्क होता है, जो ह्यूमन बीइंग है वो, ह्यूमन बीइंग कैन टॉक, बट द प्लांट्स, द एनिमल, द बर्ड्स, दे कैन नॉट टॉक, दे कैन नॉट शेयर देयर थिंग्स, ओके। और एक चीज और होती है, जो प्लांट्स है वो मूव नहीं करते, वो चलते फिरते नहीं है, वो एक जगह पे रह के ही वो मिट्टी, उनको वो चीज, मिट्टी में वो चीज होती है कि जिसके साथ वो ग्रो करते हैं, इस सॉइल में से उनको मिनरल्स मिलते हैं, उनको फूड मिलता है उनका, जो उनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ओके। तो हमारे लिविंग थिंग्स में आता है ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स एंड ट्रीज, ओके। So now let's talk about the non-living things. Non-living things मतलब जो लिविंग नहीं है, जो जिंदा नहीं है, जो सांस नहीं लेते, ठीक है। अब non-living thing में क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले मैम आपको ये बुक दिखाएंगे, ये बुक है, this is a book। क्या आप बता सकते हो ये बुक मूव करती है, ये चलती है अपने पैरों से? नो। ये बोल सकती है? नो। ये खाना खाती है? नो। ये सांस लेती है? नो। इसको खांसी होती है? नो। ये कभी खेलती है? नो। इसको हम जहां पे रख देंगे ये वहीं पे पड़ी रहती है। अगर हम चार दिन इसको टेबल पे रखे रहे, वो चार दिन टेबल पे ही पड़ी रहती है, ओके। तो जो चीज अपने आप मूव नहीं कर सकती, अपने आप नहीं बोल सकती, अपने आप नहीं खा सकती, ठीक है, और जो सांस नहीं लेती है, जो ग्रो नहीं करती है, उसको हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। सो सबसे पहले नॉन लिविंग थिंग की एग्जांपल हमने लिखी है बुक। नाउ अब आप सब बच्चे इस टाइम, मुझे पता है सोफा पे बैठे होंगे, सभी सोफा पे बैठे होंगे या बेड पे बैठे होंगे। क्या आपका बेड चलता है? क्या आपका बेड ईट करता है? क्या आपका बेड बातें करता है? क्या आपका बेड बाजार से सामान खरीदने के लिए जाता है? नो। तो बेड इज द नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। अब और ये डस्टर है, दिस इज अ डस्टर, ये डस्टर के पैर है, ये चलता है, ये ग्रो करता है, ये बातें करता है? नो। सो दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग, डस्टर। और हमारी एग्जाम्पल है, अब देखो मैं आपको एक चीज दिखाती हूं, ये वेजिटेबल है। विच वेजिटेबल इज दिस? दिस इज अ कॉलीफ्लावर, दिस इज अ कॉलीफ्लावर। सो कॉलीफ्लावर बाजार से लेके आते हैं, क्या वो अपने आप चल के आता है और बोल के बताता है कि मैं कॉलीफ्लावर हूं, मुझे बना लो? नो। ये कॉलीफ्लावर है, ये नॉन लिविंग थिंग है। सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग्स। इनको प्लांट्स, ये प्लांट्स ग्रो करते हैं, प्लांट्स जो है लिविंग है, लेकिन उसमें से जो चीज हम तोड़ लेते हैं, फ्लावर है, फ्लावर भी नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि फ्लावर अपने आप जब उसको तोड़ लेते हैं वो आगे ग्रो नहीं करता, वो बोलता नहीं है, फाइन। सो दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर नॉन लिविंग, fruits and vegetables, okay। So then next is suppose this is a toy, okay, this is a wooden toy, wooden block, to ye cheez chalti hai? No, this is non living thing, fine।
This is blackboard. Blackboard. Is this a living or non-living thing? Yes, this is non-living thing. So blackboard. ठीक है, अब ये जो चार्ट्स हैं मैम के मुझे बड़े हुए देखो चार्ट्स के साथ हम आपको पढ़ाते हैं. इज दिस अ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग? दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स. दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स. सो चार्ट्स. तो इसी तरह आप अब आपका काम क्या है, आपने अपने आसपास अपने घर में जहां भी आप बैठे हो आप अपने आसपास लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को ढूंढोगे और मैम को एक छोटी सी वीडियो बना के भेजोगे कि मैम दिस इज अ टॉय, दिस इज अ लिविंग थिंग, मैम दिस इज अ बर्ड, दिस इज नॉन लिविंग थिंग. वट एवर बर्ड है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, प्लांट है. आप प्लांट को भी शो करके कुछ बोल सकते हो, मैम दिस इज अ प्लांट एंड दिस इज अ लिविंग थिंग, मैम दिस इज अ बुक, दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग. आप अपने अराउंड जो आपके आसपास चीजें आपको नजर आती हैं आप फाइंड आउट करोगे कौन कौन सी चीज लिविंग है, कौन कौन सी चीज नॉन लिविंग है. और आपकी बुक में पेज नंबर 65 में टिक द लिविंग थिंग्स. अब ये ट्री है, ट्री इज अ लिविंग थिंग? यस, ट्री इज अ लिविंग थिंग. द नेक्स्ट इज पेंसिल. पेंसिल इज अ लिविंग थिंग? नो, दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग. सो वी विल नॉट टिक द non living thing. These are boys and girls. These are this is a boy and this is a girl. And two children are there. So they are living or non living? They are living thing. We will tick them. This is a cup. Is this a living thing or a non living thing? Living or non living? Non living thing. This is kite. Kite to fly karta hai. To ye non living thing kaise hua? Yes, क्योंकि काइट अपने आप नहीं उड़ता, इसको उड़ाया जाता है. अगर ये रख दोगे जमीन पे अपने आप थोड़ी ना आसमान में उड़ना शुरू कर देगा. ठीक है, तो काइट इज अ नॉन लिविंग थिंग. सो दिस इज अ पॉट. पॉट इज ऑल्सो अ नॉन लिविंग थिंग. इट कैनॉट मूव, इट कैनॉट ब्रीद, इट कैनॉट ईट, इट कैनॉट वॉक. दिस इज अ कैट. सो कैट इज अ लिविंग थिंग. इट कैन वॉक, इट कैन से मियाओ मियाओ, it can eat, it can run, it can grow, it can reproduce. So this is a butterfly. Cat is a living thing. Butterfly. Butterfly is an insect. It can fly, it can eat, it can grow, it can walk. Fine? So this is also a living thing. Ball. Ball is a living or non-living thing? Yes, ball is a non-living thing because it cannot move, it cannot run, it cannot talk. This is a parrot. Parrot is a living thing and it can fly, hai na? It can eat, it can sit, it can walk and it can reproduce. This is a van. Is this a living or non-living thing? This is a non-living thing. Okay? So, I hope you all understand the concept of living and non-living thing and we will do these living and non-living things in our notebook also. Fine, ma'am will share the notebook pattern and you will learn how to write the living things and how to write non-living things. Bye-bye and have a nice day.